तो आपका ये मानो जो रेफला सही फायर करेगी, मानो आज उसकी शिस्त सही नहीं लग रही, उसका मतलब आपका पॉइंट पर फायर नहीं जा रहा, तो आपकी भी गलती हो सकती है, कुछ रेफल की भी गलती हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती? तो रेफल की कहां से गलती होगा? इसकी दो साइडें लगी हुई है, रियर साइड और फोर साइड लगी हुई ना, तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। मान लो जहां पॉइंट पर फायर आप एम ले रहे हो, तो एम लाइनिंग से क्या होता है, कभी टारगेट के ऊपर जा रहा है, कभी टारगेट के नीचे जा रहा है, तो आपका मेन फायर नहीं जा रहा, तो आप क्या करते हैं उसको, इसकी साइडों को जे फोर साइड टिप और रियर साइड जो हथियार पर साइडें लगी होती है, ऊपर नीचे दाहिने बाएं की दृष्टि देते हुए फायर को टारगेट के मध्य में लाने की कार्रवाई को क्या कहते हैं, एमपीआई, मेन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। वो समझे? यस सर। जब हम इसकी साइडों को डायरेक्शन देते हुए सही करते हैं, तो हमारा फायर कहाँ आ जाता है, टारगेट के ऊपर। वो समझे मेरी बात? यस सर। हाँ, तो इसलिए इस प्रकार इसके ऊपर राइफल को सेट करके फायर करते हैं, हम देखते हैं कहाँ दुरुस्ती है, कहाँ देने वाली है, तो वहाँ हम इसको दोबारा सेट करके फायर करते हैं, हमारा वेपन है जो फिट हो जाता है। वो समझे? जय हिंद। तो ऑल आई कैडेट JKSD 19501281 कैडेट अफजाक मोहम्मद, मैं GDC उधमपुर से हूँ। तो कल हमें जैसे ही कैंप का आदेश मिला कि आपका 22 से कैंप लग रहा है, तो हम सारे कैडेट्स को स्कूल से ANOs की तरफ से इन्फॉर्म हो गया। तो उसके बाद हम सभी दूसरे दिन सुबह इकट्ठे हुए, अपने वो विलिनेक्स फॉर्म जो है वो लेकर अपने सीनियर जो थे उनको पकड़ाए, सभी इकट्ठे होकर कैंपिंग ग्राउंड में पहुँचे। पहले गेट के बाहर थे, उसके बाद फिर हाई हमारी एनरोलमेंट वगैरह हुई, कितने कैडेट्स हैं, कौन कौन से कॉलेज से हैं, उसको हमारी कोविड टेस्टिंग वगैरह हुई गई यहाँ पे, हर एक बच्चे का टेस्ट हुआ, जो पॉजिटिव आता था उसको घर भेज देते थे। और उसके बाद हमारा हम सबको जब कोविड टेस्ट नेगेटिव आने के बाद हमें हमारी अपनी अपनी बैरक्स जो है वो अलाट हो गई रहने की जगह, तो वहाँ पे हमें जिस जिस बच्चे के पास कोई रहने का सामान नहीं था, उसको सामान जो है कैंपिंग की तरफ से स्टाफ या स्टाफ की तरफ से जो है वो दिया गया। उसके बाद हमें अच्छा खाना मिला यहाँ पे, उसके बाद पढ़ाई शढ़ाई हमारी, वेपन ट्रेनिंग जो है, फायरिंग हो रही है, क्लासेस लग रही हैं हर एक चीज़ की, और हर एक चीज़ के बारे में जो एग्ज़ाम के रिलेटेड हमें आएगा, सी सर्टिफिकेट मैं अभी एग्ज़ाम दूंगा जो 28 को हमारा एग्ज़ाम है, और मैं और उसके लिए हमें फुल तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है यहाँ पे। और मैं पूरे इस बटालियन का, 2 जन के बटालियन का थैंकफुल हूँ कि वो हमें इस तरह से गाइड कर रहे हैं और इस तरह से पढ़ा रहे हैं, ताकि हम आगे बढ़ सकें और अच्छे से अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। जय हिंद। मैं कैडेट मुनीश कुमार, GDC उधमपुर से। तो जैसे हमें कल कॉलेज से बताया गया कि हमारा कैंप लग रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था कैंप के लिए। तो सुबह हम जल्दी से रेडी हुए, पूरे 6 बजे घर से आए कैंप के लिए हम। तो जैसे हम कैंप के बाहर पहुँचे, तो हमें पता चला कि कोविड टेस्ट भी होना है, तो सभी पहले हमारा कोविड टेस्ट हुआ, स्क्रीनिंग वगैरह हुई,
तो फिर हम सभी जो भी कैडेट थे जो भी कोविड पॉजिटिव आए थे उनको घर भेज दिया गया, और हमें पता चला हम कोविड पॉजिटिव नहीं हैं, तो हम कैंप के अंदर आ गए और उसके बाद हमें हमारी बैरक्स अलाट की गई। उसके बाद हमको शाम को रोल कॉल होता है, सब कुछ बताया जाता है कि अगले दिन हमारी क्या एक्टिविटी होगी। तो सुबह हमारी पीटी हुई, उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी क्लासेस शुरू होगी। सबसे पहले हमारी ड्रिल की क्लास थी, तो हमें ड्रिल के बारे में पूरा बताया गया, क्या हमें करना है ड्रिल के बारे में सारा बताया गया। उसके बाद हमारी और भी क्लासेस लग रही हैं, जैसे FCBC की लग रही है, मैप रीडिंग की, तो हमें पूरा बताया जाता है जो हमारा एग्ज़ाम में आना होता है उसके रिलेटेड हमें पूरा बताया जाता है। तो अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं, हमें पूरा प्रिपेयर कराया जा रहा है कि जो एग्ज़ाम में आएगा, तो हम एग्ज़ाम हमारा होगा, इसके बाद हम क्लासेस में जब एंटर हो जाते हैं तो हमें पूरा डिसिप्लिन